की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 का इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस कॉर्नर में आपको आई बटन मिल जाएगा, उस आई बटन के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आने वाले टाइम में क्लास 10 मैथमेटिक्स का सभी चैप्टर्स के ऊपर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 8 में हमें शो करना है। देखिए, साइन ए प्लस कोस के होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस से के होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर हम लोग इसका एलएचएस शुरू करेंगे। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सो एलएचएस में हमें दे रखा है, देखिए, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में देखिए ये किस फॉर्म में है। देखिए, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है, और ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर लिख लेता हूं। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए a के प्लेस में क्या है, साइन ए, और b के प्लेस में यहां पर क्या है, कोसेक है। तो यहां पर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस 2ab। 2a मतलब कितना है, साइन ए, तो 2 इंटू साइन ए इंटू बी मतलब कितना है, बी मतलब यहां पर कोसेक है, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक है। प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस यहां पर भी देखिए सेम फॉर्म में है, तो यहां पर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस प्लस सेक स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू। आप देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर साइन स्क्वायर ए है और यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर ए है, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस। देखिए ये टर्म में हम लोग 2 इंटू साइन ए इंटू, और इस कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग एज इट इज रख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस। इस कोस स्क्वायर ए को हम लोग ने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया इस टर्म के साथ प्लस। इसमें देखिए 2 इंटू कोस ए इंटू, इस सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कोस ए, क्योंकि सेक ए कोस ए का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर सेक ए को हम लोगों ने लिख लिया 1 डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस सेक स्क्वायर ए को हम लोग एज इट इज रख लेते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कॉस ए कैंसिल हो गया, यहां पर साइन ए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए फ्रेंड्स, यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, यहां पर कितना आ रहा है, देखिए यहां पर ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर 2 हो रहा है, तो यहां पर 2 हो जाएगा प्लस प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस। यहां पर भी देखिए कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी 2 हो रहा है प्लस प्लस, देखिए क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहां पर 5 प्लस प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। पर हमें देखिए यहां पर शो करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को यहां से चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए मतलब क्या है, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए मतलब कितना है, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू। आप देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो प्लस 10 स्क्वायर ए
प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए ये आरएचएस में ये था, तो यहां पर हम लोगों ने आरएचएस को शॉर्टकट दिया और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन नाइन को यहां पर सोल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर रोमन नाइन में हमें शो करना है, देखिए कोसे के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कोसे इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस कोट ए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सोल्यूशन आपको ध्यान से देखना है और बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में आ जाए तो आपसे सोल्यूशन हो पाए। चलिए इसका सोल्यूशन मैं यहां पर शुरू करता हूं और एलएचएस से हम लोग यहां पर इसका सोल्यूशन शुरू करेंगे। एलएचएस तो एलएचएस में क्या दे रखा है, देखिए एलएचएस में दे रखा है देखिए कोसे के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। तो फर्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग इस कोसेक ए को और इस सेक ए को चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, हमें पता है कोसेक ए इज इक्वल टू वन बाई साइन ए होता है, तो यहां पर कोसेक ए के प्लेस में हम लोग लिख लेंगे वन डिवाइडेड बाई साइन ए और इस साइन ए को एज इट इज रख लेंगे। यहां पर सेक ए के प्लेस में हम लोग लिखेंगे वन डिवाइडेड बाई कोस ए माइनस माइनस कोस ए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए फ्रेंड्स यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पर एलसीएम हो जाएगा साइन ए और इस साइन ए से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो वन वन इंटू वन, तो यहां पर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा माइनस, यहां पर क्रॉस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए इंटू इंटू में देखिए यहां पर भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पर एलसीएम हो जाएगा आपका कोसे, तो यहां पर कोस ए से कोस ए को डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा और वन इंटू वन वन माइनस, यहां पर क्रॉस करेंगे तो कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस ए हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू, आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर वन माइनस साइन स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू इंटू में देखिए यहां पर वन माइनस कोस स्क्वायर है, वन माइनस कोस स्क्वायर कितना होता है, वन माइनस कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कोस ए। दिस इज इक्वल टू, तो यहां पर देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर है वन माइनस कोस स्क्वायर है को हम लोग यहां पर जो फॉर्मूला को यूज करके लिखा है मैं यहां पर आपको फिर से समझा लेता हूं, हालांकि मैंने पहले बहुत बार आप लोगों को समझाया। तो यहां पर देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है वन होता है। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर ए को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और अगर आप कोस स्क्वायर ए को राइट साइड में लेके जाएंगे तो वन माइनस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, और वन माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर साइन ए और यहां पर साइन ए कैंसिल हो गया, कोस ए और यहां पर कोस ए कैंसिल हो गया। सो न्यूमरेटर में क्या रह रहा है, न्यूमरेटर में हमारे पास देखिए साइन ए इंटू कोस ए और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है वन है। आप देखिए फ्रेंड्स हमें इसको लाना है, तो इसको कैसे लाएंगे, सो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए फ्रेंड्स ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ठीक ही भी है ये प्रॉब्लम, तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लाने के लिए जो आर एच एस है इसको लाने के लिए हम लोग यहां पर एक एक्स्ट्रा काम करेंगे। क्या काम करेंगे, देखिए ऊपर में हमारे पास है देखिए साइन ए इंटू कोस ए और डिनोमिनेटर में देखिए वन है, तो वन के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, इस वन के प्लेस में हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये जो आर एच एस है इसको लाने के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे, ऊपर में दिखे साइन ए इंटू कोस ए था तो इसको हम लोगों ने एजिस दिख लिया, और डिनोमिनेटर में जो वन है इसको वन को लिख के हम लोगों ने यहां पर चेंज करके हम लोगों ने यहां पर लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्यों, क्या, क्योंकि ये हम लोगों को लाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोगों को ऊपर में वन चाहिए, तो ऊपर में वन चाहिए दैट मीन साइन ए और कोस ए को कैंसिल करना पड़ेगा, तो साइन ए और कोस ए को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहां पर साइन ए और कोस ए से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए हम लोग यहां पर डिवाइड करते हैं साइन ए इंटू कोसे डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कोसे, और डिनोमिनेटर में देखिए डिनोमिनेटर में भी हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कोसे प्लस प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कोस ए। दिस इज इक्वल टू, तो यहां पर इस लाइन के राइट साइड में आप लिखेंगे डिवाइडिंग
डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए इंटू कॉस ए दिस इज इक्वल टू। आप देखिए फ्रेंड्स न्यूमरेटर में देखिए साइन ए कोसे कोसे कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में तो वन चाहिए तो वन आ गया और डिनोमिनेटर में देखिए साइन ए कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा देखिए साइन ए बाई कोसे रहेगा तो साइन ए बाई कोसे को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कोसे को हम लोग लिख सकते हैं टेन ए तो यहां पर देखिए टेन ए था टेन ए आ गया प्लस प्लस यहां पर देखिए कोसे कोसे कैंसिल हो गया तो यहां पर क्या रहेगा ऊपर में रहेगा कोसे और डिनोमिनेटर में रहेगा हमारे पास साइन ए तो कोसे बाई साइन ए क्या होता है कोसे बाई साइन ए होता है आपका कोटे। सो यहां पर देखिए आरएचएस में था वन डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस कोटे तो यहां पर हम लोगों ने यहां पर लेके आ गया वन डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस कोटे तो ये आपका आरएचएस हो गया और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन टेन को यहां पर सोल्व करते हैं। रोमन टेन में यहां पर हमें शो करना है देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए लाना है और फिर भी यहां पर फिर से यहां पर वन माइनस टेन ए बाई वन माइनस कोटे होल स्क्वायर बी टेन स्क्वायर ए लाना है तो कैसे लाएंगे यहां पर हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसको टेन स्क्वायर ए दिखाएंगे और फिर से इसको टेन स्क्वायर ए दिखाएंगे तो यहां पर पहले हम लोग इससे शुरू करते हैं तो पहले हमारे पास है देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन प्लस कोट स्क्वायर ए तो यहां पर देखिए हमें टेन स्क्वायर ए लाना है तो टेन स्क्वायर ए लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस कोट स्क्वायर ए को चेंज कर लेंगे तो ऊपर में जो है इसको हम लोग एलजीडीस रख लेंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग इस कोट स्क्वायर ए को चेंज करके लिखेंगे वन डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर ए क्योंकि हमें पता है टेन ए और कोट ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया यहां पर हम लोगों ने कोट स्क्वायर ए के प्लेस में लिख लिया वन डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू। आप देखिए न्यूमरेटर में जो है उसको हम लोग एचडी रख लेंगे और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहां पर एलसीएम हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए तो यहां पर देखिए क्रॉस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में देखिए फ्रेंड्स यहां पर न्यूमरेटर में क्या है न्यूमरेटर में हमारे पास है देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर है तो उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और ये है हमारे पास डिविजन सिंबल तो डिविजन के प्लेस में यहां पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन दे देंगे तो डिविजन के प्लेस में अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन दे देंगे तो नीचे जो है इसको उल्टा करके यहां पर लिखना है तो नीचे देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में है हमारे पास टेन स्क्वायर तो ये ऊपर में चला जाएगा टेन स्क्वायर है और न्यूमरेटर में हमारे पास देखिए टेन स्क्वायर प्लस वन है तो यहां पर ये न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेन स्क्वायर प्लस वन। सो देखिए फ्रेंड्स टेन स्क्वायर प्लस वन टेन स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो गया तो यहां पर देखिए टेन स्क्वायर बाकी रह रहा है तो यहां पर आरएचएस में हमें टेन स्क्वायर ए लाना था तो यहां पर हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके टेन स्क्वायर ए लेके आ गया। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके ही हम लोगों को टेन स्क्वायर ए लाना है। चलिए यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर हमारे पास दे रखा है देखिए वन माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस कोट ए होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस कोट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाई टेन ए होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू। आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर न्यूमरेटर को हम लोग एचडी रख लेंगे वन माइनस टेन ए और डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहां पर एलसीएम हो जाएगा आपका टेन ए तो क्रॉस करेंगे तो यहां पर टेन ए इंटू वन टेन ए माइनस वन ये होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स यहां पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास है देखिए वन माइनस टेन ए तो यहां पर हम लोग इसको एचडी लिख लेंगे वन माइनस टेन ए इंटू यहां पर डिविजन के प्लेस में यहां पर हम लोगों ने इंटू दे देंगे मल्टीप्लीकेशन दे देंगे तो यहां पर नीचे जो है इसको उल्टा करके लिखना है हमारे हमें यहां पर तो यहां पर डिनोमिनेटर में देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में है टेन ए तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये ऊपर में चला जाएगा और इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे तो टेन ए माइनस वन और टूटेल में होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू। आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर इसको कैंसिल देने के लिए यहां पर ये दोनों एक्सप्रेशन तो सेम नहीं है तो यहां पर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर देखिए वन माइनस टेन ए है इंटू देखिए यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास है देखिए टेन ए और डिनोमिनेटर में देखिए इससे अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर ये हो जाएगा आपका वन माइनस टेन ए होल स्क्वायर। अभी देखिए यहां पर वन माइनस टेन ए कैंसिल हो गया तो यहां पर हमारे पास बाकी रह रहा है देखिए माइनस टेन ए
माइनस टेन ए होल स्क्वायर, और यहां पर माइनस टेन ए होल स्क्वायर तो स्क्वायर है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन ए होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, टेन ए होल स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास आरएचएस में था, तो यहां पर हम लोगों ने यहां पर इसको सॉ कर दिया, और मेरे ख्याल से इसको इसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा।